जन्माष्टमी स्पेशल मटके डेकोरेशन। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक स्मॉल साइज के क्ले के पॉट ली हूँ। क्ले पॉट को कलर करने के लिए यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर यूज की हूँ। आप आपके पसंद के कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने पॉट को कुछ देर तक ड्राई होने के लिए रख दी। डेकोरेशन के लिए मैंने ये ब्रॉड लेस ली हूँ। फिर पॉट के ऊपर वाले पार्ट पे फेविकॉल से पेस्ट कर दी। और पॉट के लोअर पार्ट में ये थीन पिंक कलर के लेस पेस्ट कर दी। मिडिल पार्ट को डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पर मैंने ये गोल्डन कलर के डेकोरेटिव आइटम्स यूज की हूँ। उसके बाद एक कार्डबोर्ड पे मैंने सर्कल ड्रॉ करके उसको कट कर ली हूँ। उसको कवर करने के लिए एक पिंक चार्ट पेपर पे सेम साइज के सर्कल मैंने कट कर ली हूँ। फिर उसको फेविकॉल से पेस्ट कर दी। इसके चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए मैंने ये गोल्डन कलर के लेस यूज की हो। आप आपके पसंद के हिसाब से ये बॉर्डर के लेस चूज कर सकते हैं। बस मटकी रखने की बेस तैयार। बांसुरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर के ग्लेस पेपर यूज की हो। फिर इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लाइट ऑरेंज कलर के बीड यूज की हो। बस मटकी रखने के लिए बेस और फ्लूट तैयार। मक्खन बनाने के लिए मैंने पॉट के अंदर टिश्यू पेपर डाली और ऊपर से रुई डाल दी। फिर बांसुरी को और एक पिकॉक के फेदर इसके अंदर अरेंज कर दी। अब पॉट को मैंने ये तैयार बेस के ऊपर रख दी। बस रेडी हो गया मटकी, है ना, बहुत इजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।